प्रेज द लॉर्ड, आपसे कुछ बातें शेयर करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अभी पंजाब में अभी जो हो रहा होगा उसकी जानकारी तो आपको है कि अभी अपोस्टल अंकुर नवला जी जो कि मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, अभी अमृतसर में उनका क्रूसेड हुआ। अमृतसर क्रूसेड में परमेश्वर ने मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी का इस्तेमाल करके लाखों रूहों को बचा लिया, लाखों लोगों ने उद्धार पाया, लाखों लोग शैतान के राज्य से निकाले गए, लाखों लोग जो थे वो अंधकार के वश से छुड़ाए जाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवाए गए अमृतसर क्रूसेड में। तो क्या हो गया, शैतान को आग लग गई, चिढ़ गया, जल गया वो। और अब वो क्या कर रहा है शैतान, कि कुछ लोगों को खड़ा करके अमृतसर क्रूसेड के लिए विरोध कर रहा है, सताव लाने का प्रयास कर रहा है। और वो भी किस लिए, क्रूसेड शब्द को लेकर के। मतलब कुछ मिला ही नहीं विरोध और सताव करने के लिए, तो अब क्रूसेड शब्द लेकर के विरोध किया जा रहा है, सताव किया जा रहा है। कि क्रूसेड शब्द का अर्थ तो लड़ाई झगड़ा होता है, क्रूसेड शब्द लेकर के विरोध और सताव किया जा रहा है, जबकि बिब्लिकल मेरे प्रियो क्रूसेड शब्द का जो अर्थ है वो आत्मिक है, आत्मिक है। क्रूसेड मतलब आत्मिक युद्ध, एक आत्मिक युद्ध जिसमें हम आत्मिक रीति से युद्ध लड़ते, छुटकारा होता है, ये शारीरिक युद्ध के बारे में नहीं बताता है। हाँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश का भी नहीं है, बाहर से है और बाहर से वो पंजाब में आया है, हाँ, और शैतान देखो उसके उसमें समा कर, उसके माध्यम से शैतान जो है उसके माध्यम से जो है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी का विरोध और विरोध कर रहा है, सतार उटपटांग बातें बोल रहा है, दोष लगा रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है जो झूठ है। एक बात ये बोल रहा है कि अपोस्टल लिखते हैं, अपोस्टल क्यों लिखते हैं, मैंने बाइबल पढ़ी है। अगर वो व्यक्ति बाइबल पढ़ा होता तो कभी प्रभु यीशु मसीह का या उसके अभिषिक्त सेवक का इस प्रकार से विरोध नहीं करता। फिर उसके बाद कहता है नहीं पूरा पैसा आ रहा है, वो पैसे की पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, जबकि पूरे पंजाब के लोग जानते हैं कि हजारों परिवार है जिनको हर महीना मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी जो राशन भेज करके उनका लालन पोषण कर रहे हैं। हजारों लोगों को हर महीना घर चलाने के लिए मेरे प्रियो मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी उनको फाइनेंशियली भी उनको हेल्प कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, मेडिकल इलाज ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं उनको। अभी जब कोरोना वायरस आया था तो सबसे पहले पंजाब के अंदर में मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी ही खड़े हुए थे लगातार कोरोना वायरस में, जबकि सब लोग घर के अंदर में थे, वो बाहर निकल के लोगों के लिए प्रार्थना ही नहीं परंतु कई राशन जा रही है, ट्रक भर भर करके राशन जा रहा है, पूरे पंजाब को उन्होंने राशन बांटा, पूरे पंजाब में बहुत से परिवारों को उन्होंने राशन बांटा कोरोना वायरस के टाइम में, फाइनेंशियली ब्लेस किया। बहुत से ऐसे गरीब लड़के और लड़कियां हैं, ऐसी फैमिली है जो क्रिश्चियंस नहीं है, अन्य जाति हैं, लेकिन उनका विवाह करवा रहे हैं जबकि वो क्रिश्चियंस नहीं है, वो जबकि अन्य जाति है, जिनको राशन दिया जा रहा है वो भी क्रिश्चियंस नहीं है, अन्य जाति है। मतलब कि मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी कोई जात पात भेदभाव ये सब कुछ भी नहीं, वो किसी भी जात का है, बस वो इंसान है तो प्रभु के लिए उनको प्रेम है उनसे, वो कुछ भी क्यों ना हो। तो ये प्रभु का प्रेम है जो उनके जीवन से प्रदर्शित हो रहा है और वो दिखा रहे हैं लगातार, पंजाब में नहीं परंतु मैं आपको बता दूं पंजाब के बाहर भी वो चैरिटी का काम कर रहे हैं लगातार। जो प्रभु जो सेवकाई में प्रभु उनको जो पैसा दे रहे, वो पैसा लगातार जो है वो प्रभु के लोगों के उद्धार के लिए ही खर्च किया जा रहा है, लोगों को ब्लेस करना, उनकी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करना। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रभु शैतान जो है वो इस ताक में है, इस खोज में है कि वो कब किसके ऊपर में दोष लगाए, विशेष करके परमेश्वर के माइटी मैन ऑफ गॉड के ऊपर दोष लगाए, बदनाम करे। और बाइबल में एकदम साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि दोष लगाने वाला जो है वो शैतान है, भाइयों को बदनाम करने वाला जो है वो शैतान है। और शैतान जो है वो एक आत्मा है, वो डायरेक्ट नहीं आता परंतु वो लोगों का इस्तेमाल करता है, वो लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। आप देखो क्रूसेड शब्द को लेकर के विरोध कर रहे हैं कुछ लोग चंद लोग विरोध कर रहे हैं क्रूसेड शब्द को लेकर, प्रेरित क्यों लिखते हैं उसको लेकर के।
और किसको लेकर के, क्यों हीलिंग कर रहे हैं, क्यों डिलीवरेंस कर रहे हैं, क्यों मिरेकल्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोग, लाखों लोग, हजारों लोग बेचारे दुष्टात्मा से आज़ाद हो रहे हैं, बीमारी से आज़ाद हो रहे हैं, नशे से आज़ाद हो रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। ये तो भलाई का काम है, इसमें तो तारीफ और प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन विरोध किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय, ये कौन है? ये एक्चुअल में शैतान है, और शैतान जो है उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि बाइबल में साफ लिखा कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, ये शैतान ही है जो विरोध में लोगों को उठाता है और खड़ा करता है और उनका इस्तेमाल करता है। आप सभी जानते हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी को, उनकी मिनिस्ट्री को भी आप जानते हैं मेरे प्रियो। उन्होंने खुद, वो कई बार इस बात को बताते हैं कि मिनिस्ट्री में जो भी पैसा आता है वो पैसा को अपने परिवार पर या अपने ऊपर वो खर्च नहीं करते। पूरा पैसा जो कि चर्च में आता है, 100% पैसा जो है वो सेवकाई में ही जाता है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे निष्ठा भाव के साथ में आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु के लोगों की सेवकाई में वो हैं, बोझ रखते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लाखों लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया है। आप जानते हैं, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि इस समय में जो आप देख रहे हैं कि जो पंजाब में हो रहा है, कि मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी के विरोध में बहुत सी बातें बोली जा रही है, कही जा रही है, बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बहुत से प्लानिंग किए जा रहे हैं। याद रखो, ये सच नहीं है, ये झूठ है। शैतान एक बहुत बड़ा झूठ है। और अभी भी आपको मैं बता दूं, आप देखना, जीत प्रभु यीशु मसीह की ही होगी। जीत प्रभु के सामर्थ्य दास मेरे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर नवला जी की ही होगी, क्योंकि मेरे प्रियो जो सत्य पर चलते हैं वो हमेशा जयवंत होते हैं। मैंने बहुत करीबी से देखा है अपने आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर नवला जी को, मैंने बहुत करीबी से उनको जाना है, करीबी से समझा है, मैंने उनकी सेवकाई को देखा है, मैंने बहुत करीबी से उनके व्यवहार को देखा है मेरे प्रियो, बहुत करीबी से मैंने पर्सनली, व्यक्तिगत मैंने उनको जाना है, मैंने उनको समझा है। बहुत बोझ रखते हैं वो लोगों के लिए, सेवक पास्टर्स लोगों के लिए, चर्चेस के लिए वो बहुत बोझ रखते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप सभी जानते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हम सबको प्रार्थना करना है मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हमको प्रार्थना करनी है। और जो विरोध हो रहा है, जो सताव हो रहा है, ये विरोध और सताव समाप्त होने के लिए हमको प्रार्थना करना है। अर्थात मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नवला जी के साथ हमको खड़े रहना है। इस विरोध और सताव में हमको उनका सपोर्ट करना है, हमको उनके साथ खड़े रहना है। और आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के अभिषिक्त सेवकों के साथ, दासों के साथ जब हम खड़े रहते हैं, उनके साथ जब हम खड़े रहते हैं, उनके पक्ष में हम खड़े रहते हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु हमको ब्लेस करता है। और अगर आज ऐसे विरोध और सत्ताओं में मेरे प्रियो, अगर आज मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी के साथ अगर हम खड़े हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके पक्ष में खड़े हैं, मैं सच कहता हूँ आप प्रभु का अनुग्रह पाएंगे, आप प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। और आज जब आप इस प्रकार से खड़े होंगे तो याद रखिएगा, जब आपके जीवन में भी विरोध और सत्ता होगा तो प्रभु आपके साथ भी खड़ा होगा। तो निरंतर प्रार्थना करते रहें मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नवला जी के लिए, मेरे प्रिय उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें, आप उनके साथ खड़े रहें। और जो विरोध कर रहा है, जो विरोध कर रहे हैं, जो सताव लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनको बुद्धि दे, प्रभु उनका भी उद्धार करें, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।